नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, क्या आप अपने दुबले पतले शरीर से परेशान हैं और तरह तरह के उपाय करने के बाद भी आपका वेट गेन नहीं होता है? तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको तेजी से शरीर का विकास करने के लिए कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगा जो आपके रसोई घर में मौजूद है, लेकिन आपका ध्यान कभी उन चीजों की तरफ जाता ही नहीं है। और दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको ऐसा होममेड प्रोटीन मास गेनर शेक बनाना सिखाऊंगा जिसमें आपको 300 कैलोरी और 40 ग्राम प्रोटीन भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज वजन बढ़ाने की तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों, वजन बढ़ाने के लिए हमारे पास सबसे पहला फूड है काबली चना। देखो यार, काला चना सना तो आपने बहुत सारा खाया होगा, लेकिन एक बार मेरे कहने से काबली चने को जरूर ट्राई करना, क्योंकि दोस्तों काले चने के मुकाबले सफेद चना इजी टू डाइजेस्ट होता है। इसमें प्रोटीन और कैलोरी भी ज्यादा होती है, जो कि वेट गेन करने के लिए आपके पास सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और खुशी की बात यह है कि ये आपके रसोई घर में मौजूद है। अब दोस्तों, क्वालिटी वेट गेन करने के लिए, बॉडी का साइज बढ़ाने के लिए सफेद चना आपको कैसे खाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको 100 ग्राम सफेद चने को रात भर पानी में भिगोकर रखना है और दूसरे दिन सुबह इसको प्रेशर कुकर में उबाल लेना है, और इसमें थोड़ा नमक और नींबू डालकर वर्कआउट करने से एक घंटा पहले भी आप खा सकते हो और पोस्ट वर्कआउट करने के तुरंत बाद में भी आप खा सकते हो। और एक्सरसाइज नहीं करते हो तब भी आप सुबह नाश्ता करते समय इस डाइट को ले सकते हो। अब देखो यार, इतनी अच्छी डाइट मैंने आपको बता दिया, तो इसी बात पर वीडियो लाइक हो जाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को थोड़ा समय देकर और ध्यान से देखने की कोशिश करना, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए तरीकों से आप बहुत कम समय में बहुत कम रुपए खर्च करके 10 किलो वजन आसानी से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास वेट गेन करने के लिए जो दूसरा सबसे अच्छा फूड है वो है उड़द की दाल। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि मात्र 100 ग्राम उड़द दाल से आपको 350 कैलोरी, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 25 ग्राम प्रोटीन, 18 ग्राम फाइबर के साथ में विटामिन बी, विटामिन ई, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटाशियम जैसे पोषक तत्व तो मिलते हैं। अब दोस्तों, उड़द की दाल खाने का सही तरीका और सही समय क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको 100 या 50 ग्राम जितनी दाल आप खा सकते हो 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखना है, और आप अपने घर वालों से कह सकते हो कि भाई मेरे लिए ये दाल बना के दे दो, जिद पे अड़ जाना आप, और मुझे रोजाना इस दाल को बना कर दो, तो वो तैयार करके दे देंगे। फिर दोपहर में आप चावल के साथ में इस दाल को खा सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उड़द की दाल बलवर्धक भी होती है, यानी इससे आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बढ़ता है। देखो यार, अगर आपके कुछ सवाल होते हैं तो कमेंट करके पूछ लिया करो, शर्माया मत करो। मैं आपके हर कमेंट को बारीकी से पढ़ता हूँ, उनका रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। मैं थोड़ा सा बिजी भी रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास दो इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैं, वहाँ भी काफी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पेज भी है, तो उनके भी रिप्लाई मुझे करने पड़ते हैं। फिर भी अगर किसी भाई का कमेंट रह जाता है तो उसके लिए सॉरी। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर के फूड की तरफ। अब दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एक ऐसी चीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो शायद आपको किसी और ने नहीं बताई होगी। और दोस्तों, इस चीज को अगर आप 100 ग्राम रोजाना खा लेते हो तो आपकी बॉडी को मिलता है 17 ग्राम प्रोटीन, 486 कैलोरी, 42 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 18 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि आपको बहुत कम फूड से मिलता है, और 34 ग्राम फाइबर भी आपको मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी वेट गेन करते समय फाइबर लेना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कौन सी है वो चीज जो आपके क्वालिटी वेट गेन करने में काफी मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, चिया सीड। इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, शायद ही आपको किसी फूड में इतने सारे न्यूट्रिशन एक साथ मिलेंगे। अब इसको खाना कैसे है, इसको खाने का सही समय क्या है वो भी आप जरा ध्यान से समझ लो। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 100 ग्राम या फिर 50 ग्राम चिया सीड को 30 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रखना है, और 100 ग्राम दही में मिक्स करके इस डाइट को आप सुबह नाश्ता करते समय ले सकते हैं। दिन भर आपके शरीर में एनर्जी रहेगी और आपका वेट गेन होने लगेगा। अब दोस्तों, फाइनली मैं आपको एक ऐसा मास गेनर प्रोटीन शेक बनाना सिखा देता हूँ जिसमें आपको 300 कैलोरी और 40 ग्राम प्रोटीन बहुत आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, इस मास गेनर शेक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 200 ml दही लेना है, दूसरी चीज आपको 100 ml दूध लेना है, तीसरी चीज आधा कप ओट्स आपको लेना है, और चौथी चीज लेना है आपको 50 ग्राम पनीर। अब इन सब चीजों को ब्लेंडर में डालकर मास गेनर शेक को आप तैयार कर सकते हैं। तो देखो यार, इस मास गेनर शेक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के लिए दूध, दही, पनीर मौजूद है, और फाइबर के लिए इसमें ओट्स है। जो भी आप डाइट मील लेते हो उसमें फाइबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आपके पेट में ज्यादा मल इकट्ठा न हो
तो इसके लिए फाइबर बहुत जरूरी होता है, फाइबर आपको जरूर लेना चाहिए। इस मास गेनर शेक को आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो या फिर आप कसरत वगैरह करते हैं तो पोस्ट वर्कआउट में ये आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको क्वालिटी वेट गेन करने के लिए सबसे सस्ता बजट फ्रेंडली डाइट प्लान बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आज के इस वीडियो से भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और इसी तरह के यूजफुल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।